द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। अरे द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। अरे तू राणा का वंशज है ना, तू राणा का वंशज है, उठा भाला और फेंक जहां तक भाला जाए। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों भाला यानी कि पेन उठाने का समय, कलम उठाने का समय आ गया है और आप लोगों का लास्ट एग्जाम 13 अप्रैल को कुकवालो का है, असम राइफल में ये लास्ट एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें आपको हम आज बताएंगे कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या सामान लेकर जाना है जो आपके जरूरत में आ सकता है और किस तरह से आप लोगों का एग्जाम होगा, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों देखिए पहले तो आपको बता दें कि आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे और आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपना ले लें। देखिए हो सकता है कि चेक ना हो, लेकिन अगर चेक हो गया तो फिर आपको दौड़ना पड़ जाएगा, इसलिए आप घर से जहां से भी जा रहे हो तो घर से बनवा लें या फिर वहां पे 250 रुपया लग रहा है इसको बनवा लें। ठीक है, थोड़ा सा पता कर लीजिए इसके बारे में, आरटीपीसीआर के बारे में वहां पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप एक, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो खुले मैदान में होगा तो इसलिए आप एक बोर्ड आप लेके जाएं, जो एग्जाम बोर्ड होता है आप उसको जरूर से लेके जाएं और पेन जो आप अपना खुद से लेकर जाना है, पेन वहां पे कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, पेन आप वहां पे अपना लेकर जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों बैग में कुछ जरूरी सामान है जैसे कि खाने पीने का, क्योंकि अंदर में वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है खाने पीने का, बहुत कम व्यवस्था है, इसलिए आप खाने पीने का जो भी सामान हो अपने बैग में डाल के ले जा सकते हैं अंदर, और पानी वानी का जो भी है वो आप अपना अंदर लेके जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये सब अपना जरूर से सामान ले लेंगे क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको ये सब आपको सामान नहीं मिलने वाला खाने पीने का। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलेगा, बिस्किट उस्किट मिलेगा, लेकिन वो भी बहुत कम मिलेगा, इसलिए आप कम से कम खाने पीने का सामान, पानी वाने का सामान, पानी वानी ले लें और बोर्ड एक जरूर ले लें। अगर आप बोर्ड लेके नहीं जाएंगे, एग्जाम बोर्ड नहीं लेके जाएंगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिया जाएगा, बोर्ड दिया जाएगा लेकिन पैसा आपको लिया जाएगा, बहुत महंगा मिलेगा दोस्तों, इसलिए 20-25 रुपए का 30 रुपए का बोर्ड मिलता है, एक बोर्ड आप ले लें। ठीक है, देखिए क्यों लेने कह रहे थे, क्योंकि आपको जो है एग्जाम होगा जो खुले मैदान में होगा। किस तरह से आपका एग्जाम होगा, देखिए सबसे पहले आप जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा कि आपका रिपोर्टिंग टाइम इतने बजे है, तो जब भी रिपोर्टिंग टाइम हो आप उस समय तक पहुंच जाइएगा। उस समय तक पहुंचने के बाद क्या होगा कि आप सभी को एक एक करके एडमिट कार्ड देकर और आईडी देकर, आपका जो भी आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ भी लेकर गए होंगे, वोटर कार्ड, तो उसको देकर आपका एंट्री हो जाएगा। ठीक है, एंट्री होने के बाद आप जब तक सारे बच्चे नहीं आएंगे तब तक एंट्री खुला रहेगा, चाहे 10 बजे रिपोर्टिंग, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, बच्चे 10 बजे तक आएंगे तो 10 बजे तक वहां पे रिपोर्टिंग लिया जाएगा। ठीक है, जब तक लाइन में बच्चे रहेंगे तब तक रिपोर्टिंग किया जाएगा, तब तक आप जा सकते हैं वहां पे। तो देखिए जब भी आप सारे बच्चे आ जाएंगे आपको फील्ड में एक जगह बैठाया जाएगा, सारे बच्चे जब आ जाएंगे तो काउंट कर लिया जाएगा कितने बच्चे हैं, उसके बाद से आप लोगों को 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा, 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक बड़ा फील्ड, वहां पे 4 से 5 स्टेट्स का एग्जाम है, वहां पे बड़े फील्ड में आप लोगों को नीचे बैठा के एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको बेंच में बैठा के किसी छाया में बैठा के आपको एग्जाम लिया जाए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को फील्ड में बैठा करके आपको आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों ये एग्जाम जो होगा आप लोगों ऑफलाइन होगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को जब भी मिलेगा पेपर खत्म होने के बाद क्वेश्चन भी वो सारे लोग ले लेते हैं और आंसर शीट भी आप लोगों को ले लेंगे, कुछ भी आप लोगों वहां से अंदर से बाहर लाने नहीं दिया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन वेश्चन ये सब कुछ भी आपको बाहर लाने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। और एग्जाम जो है आप लोगों को 2 घंटे का होगा और एग्जाम में आप किसी भी तरह का कोई माइनस मार्किंग नहीं है। दोस्तों सिलेबस के बारे में आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप एक बार रिकॉल कर देते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है 25-25 नंबर का। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का माइनस मार्किंग नहीं है, वो हमारा बेस्ट एग्जाम है। आप पेन, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आप वहां पे जाके उसको भर सकते हैं हमारे को। ठीक है, अब देखिए फील्ड में ले आने के बाद आप लोगों को मान लीजिए एक फील्ड है यहाँ पे सारे बच्चों को आप लोगों को बैठाया जाएगा छोटे से फील्ड में, उसके बाद आप लोगों को एक बड़े से फील्ड में ले जाया जाएगा, 20-20 या फिर 10-10 ग्रुप करके आपको भेजा जाएगा, वहां पे आप लोगों को कंप्यूटर में एंट्री करना होगा, आपने कंप्यूटर में एंट्री, वो जो भी स्टाफ वहां पे होंगे वहां पे आप लोगों को कंप्यूटर में एंट्री करेंगे कि आपका कौन सा रोल नंबर है, वहां पे चेक करेंगे और आपको वहां बता देंगे कि आप आपका मान लीजिए कि रो 5 में है। ठीक है, तो आपको बता देंगे कि आप रो 5 में चले जाएं, तो हर देखिए इस तरह से आपका रो बना रहेगा। ठीक है, इस तरह से रो बना रहेगा आप लोगों को यहाँ पे, और आपको जैसे आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे उनको तो आपको ये बता देंगे कि आप इस रो में चले जाएं और इतने नंबर पे चले जाएं। जैसे देखिए आपको जैसे बोला है कि मान लीजिए तीसरा रो में आप चले जाएं। ठीक है, तीसरा रो में इस तरह से आपको स्टेज बना होगा, यहाँ पे रोड पे या फिर फील्ड में आप लोगों को इस तरह का दाग दिया जाएगा सफेद कलर का, जहां पे आपको बैठना पड़ेगा, एक
एक डिस्टेंस दिया हुआ, समान डिस्टेंस दिया हुआ सभी के लिए, इस तरह करके। जैसे कि आपका कोई आया, आपको रो थ्री में आपको जाना है, रो थ्री में आपको पांचवा नंबर बताया गया, ठीक है, तो आप जाएंगे तो हर रो में एक आपको स्टाफ मिल जाएगा। जैसे 10, 20 रो रहेगा या फिर 25 रो रहेगा, जितना भी रो रहेगा, 25ों में एक एक स्टाफ आपका लिस्ट लेके आपके सामने खड़े रहेंगे। आप जिस रो, जिस भी रो में जाएंगे, मान लिया अगर तीसरा रो मिला आपको, तो तीसरे रो के पास एक आपको यहाँ पे एक आदमी मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे बताएंगे कि मेरा नाम ये है, तो आपको वो बता देगा कि कितने नंबर पे आपको जाना है, ठीक है। अगर आपको बता देता है यहाँ पे कि आपको पांचवें नंबर पे आना, तो गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये आपका सीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जाके नीचे बैठ जाएंगे, तो वहां पे किसी तरह का कुछ नहीं वस्त्र व्यवस्था है, नीचे घास में आप लोगों को बैठाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैठ जाएंगे आप, जाके यहाँ पे एग्जाम देंगे अपना, बैठ जाएंगे आपको, जब तक सारे बच्चे नहीं आ जाएंगे तब तक आप लोगों को यहीं पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप वहां पे अपना पानी बिस्किट, इसलिए हम कहते हैं कि अपना खाने पीने का सामान लेके जाए, क्योंकि ये प्रोसेस करने में जो है कि समय लग जाएगा। और दोस्तों आपका जो एग्जाम स्टार्ट होने में कम से कम तो 10 से 11 समय बच जाएगा, 10 से 11 टाइम हो ही जाएगा आप लोगों को एग्जाम स्टार्ट होने में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग ने पहले दिया होगा, एक जो है कि ये सब जो लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस, तो समय थोड़ा सा लगता है इसमें, ये प्रोसेस कराने में आप लोगों को थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों एग्जाम जो है कि 10 से 11 बजे से पहले एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट नहीं होगा, और 2 घंटे का एग्जाम है, तो करीब करीब 1 से 2 बजे तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा। जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा, आप लोगों को प्रॉपर 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कोई भी समय कटौती नहीं है कि 2 घंटे का समय बोला गया तो 1 घंटा 45 मिनट में कॉपी ले दिया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पूरा का पूरा आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बता दें कि देखिए एग्जाम है जो आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ में एक रफ पेपर भी कहीं कहीं मिल रहा था, ठीक है। और किसी किसी जगह पे रफ पेपर नहीं मिल रहा था, जैसे कि दीमापुर में जो जो एग्जाम दिए होंगे उन लोगों को रफ पेपर भी मिला था, लेकिन कुछ जगह दीपू में था वहां पे रफ पेपर नहीं मिला था, क्वेश्चन के पीछे ही जगह छोड़ा हुआ था आपको रफ करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप अपना देख लेंगे, जो भी होगा वहां पे जिस तरह का फैसिलिटी होगा, जिस तरह का आप लोगों को मिलेगा, आप उस तरह का काम कर सकते हैं अपना। साथ में पेन वेन भी अपना लेके जाएंगे, क्योंकि वहां पे पेन आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, वहां पे कहा जाएगा कि अपना पेन लेकर आना आप लोगों को, ठीक है। पेन पेंसिल जो भी आपका इच्छा आप लेके जा सकते हैं, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप वहां पे अवेलेबल नहीं लेके जा सकते हैं, और घड़ी वड़ी नहीं पहन के जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी एग्जाम के बारे में था, प्रोसेस था, जो भी प्रोसेस होता है वहाँ पे एग्जाम के बारे में, सारा कुछ बताने का प्रयास रहा मेरा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। दोस्तों एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों देखिए, आप जब भी एग्जाम देने, कल एग्जाम देकर आप बाहर जब भी आए, तो आप हमें इस नंबर पर 7209190098 इस नंबर पे हमें कॉल करके आप ये अपनी राय दे सकते हैं, और हमको मैसेज कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। आप ये भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि जैसा भी हम बताए थे, जैसा पहले का पैटर्न था, जो भी एग्जाम का था, दो तीन एग्जाम हुआ है, उसी तरह का पैटर्न रहा या नहीं रहा। दोस्तों आप इस नंबर पे हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरह से था, और लेवल किस तरह का था, और क्या क्या क्वेश्चन आया। अगर आपको याद हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे, तो हम आपका फोन जरूर रिसीव करेंगे, और हमें आप बता सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में। इस तरह और भी बच्चों को हेल्प होगा, जो भी आने वाले असम राइफल एग्जाम आने वाला जो भर्ती है उसमें एग्जाम देने जाएंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प होगा इससे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आई होगी, जो भी प्रोसेस था एग्जाम कराने का वो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और सभी बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो भी एग्जाम देने जाने वाले हैं 13 अप्रैल यानी कि कल असम राइफल का। दोस्तों मिलते हैं आप हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।